खैर तो ब्लॉगिंग शुरू करने की कोशिश की जा रही है। मेरा पहला ब्लॉग है मेरे चैनल पर, जिसके लिए मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों ने बड़ी बड़ी उम्मीद से देखते, वो उम्मीद पूरी उतरती भी है या नहीं, क्योंकि बहुत कुछ बताना है। तो मैं स्टार्टिंग में जब वीडियो एडिट करूँगा तो उसमें आपको एकदम क्लियर तरीके से बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आई एम लिविंग टू समवेयर, प्लीज ट्राई करते हैं पहुँचने। खैर तो यहाँ से ये सफर सीधे शुरू हुआ मेरे घर से रेलवे स्टेशन तक का, जिसकी अगेन कहूंगा आवाज की क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत है तो एडजस्ट कर लेना। तो हम बकचोदी करते हुए स्टेशन पर पहुंच गए हैं, भैयागिरी करते हुए, क्वालिटी नहीं है सॉरी। बाकी ऊपर दो साथी छोड़ने के लिए आए हुए हैं एंड कुछ काम के लोग नहीं है, देखते हैं आगे क्या मिलता है। वो तो ट्रेन आ गई है, हम भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ब्लॉग बनाने की। पहला ब्लॉग है तो एडजस्ट कर लेना, मेरी ट्रेन आ गई है, अगर दिख रही हो तो ये रहा। कैमरा थोड़ा शेकी है, मेरे दो मेहमान साथ में आ रहे हैं जिन लोगों ने टिकट दे ली है। लेट्स सी, मजाक मस्ती चल रही है और लोग मेरे को देख रहे हैं कि मैं कौन सा बड़ा छुपिया हूँ। मैं खान को बहुत सुनाने वाला हूँ, ये लोग मेरे को लोकल ट्रेन से भेज रहे हैं, प्लेन के सपने दिखाए थे और लास्ट में बोले कि टिकट बुक नहीं, पैसे कट गए। अभी जाके चेक करूँगा उन लोगों कि कहाँ है क्या है। और फिर इसके बाद यहाँ से सीधे मैं पहुँचा वसई, जहाँ से मुझे मिली गोवा के लिए एक लोकल सी ट्रेन, यानी कि मैं जनरल डब्बे में बैठ करके गया था, जो ट्रेन फिलहाल तो मेरी नसीब के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी भरी हुई नहीं थी, जिससे मुझे अंदर से सुकून मिला कि मैं खाली ट्रेन में जाऊंगा, वो भी नेचर के बीच से होते हुए। लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ मैंने लिटरली इस सफर को झेला है, आई मीन लोकल ट्रेन के सफर को। जिनके अगर कंप्लेंट्स की बात करूं तो सबसे पहली कंप्लेंट है कि मैं जनरल डिब्बे में सबसे आगे बैठा था। इट मींस कि इंजन का स्मोक आपका सर दर्द करवा देता है, जहाँ से एक्सपीरियंस वर्स होने की शुरुआत हो चुकी थी। और रही बात नेचर की, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो इन सब के बीच अगर कोई चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है तो वो है पहाड़ों के बीच बनाए गए टनल, जो बार बार आकर के आपके ट्रेन के मजे को खराब करते हैं, वो भी कहूंगा हिसाब से बहुत ज्यादा। इसके अलावा इस चीज को भी देख करके दुख हुआ कि गवर्नमेंट ने रेलवे ट्रैक के मामले में यहाँ पर किसी भी तरीके का अपग्रेड नहीं किया है, यानी अब भी वही पुरानी दो लाइन्स है, जिनमें से सिर्फ एक ही लाइन उन टर्नल्स के बीच से गुजरती है, जिनमें से अगर सामने से आ रही ट्रेन जब तक पास नहीं होती तब तक 20 से 25 मिनट तक का वेट आपको झेलना होता है, जिस मामले में इस ट्रेन ने मुझे बहुत ज्यादा सफर करवाया। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे नज़ारे देखते हुए, हाँ जिसमें बंदर भी थे, मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, जो कि मडगांव नहीं बल्कि असल में करमली स्टेशन है, जिसे देख करके काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये सुकून ज्यादा टाइम तक नहीं टिका, क्योंकि स्टेशन से बाहर निकलते के साथ हमें मिलते हैं गोवा के काफी ज्यादा बड़े स्कैम्स, जो सभी लिटरली ट्रैवल के नाम पर आपका काटते नहीं बल्कि खोलकर बजाते हैं। खास करके वहाँ पर टैक्सीज की यूनियन, जिन्हें मैंने करमली से पंजी बस डेपो छोड़ने के लिए कहा था, जो डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है, लेकिन गोवा में किलोमीटर बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, बल्कि आपकी जेब मायने रखती है, जिसे वो लोग आपको देखकर आपके हिसाब से काटते हैं। और इस मामले में ये लोग मेरा पूरे 600 रुपए का काट रहे थे, जिनसे बिल्कुल भी ना एग्री होते हुए मैंने उनकी टैक्सी को लेने से मना कर दिया, क्योंकि भाई यूनियन बना हुआ है तो उसमें कर ही क्या सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक बाइक वाले अंकल, या फिर कहूँ गोवा की बाइक की टैक्सी भी आई थी, जिसके आगे का मडगार्ड येलो होता है, तो अगर आप उनसे बात करो तो वो 200 से 250 के बीच आपको करमली से सीधे पेंजी बस डेपो छोड़ने की गारंटी देते है। लेकिन मेरे पास थोड़ा ज्यादा सामान था, इसलिए मैंने रिक्शा वाले से थोड़ी बार्गेनिंग करते हुए अपने इस सफर को 300 रुपए के लिए बुक कर दिया, जहां वो बंदा यानी कि वो ऑटो ड्राइवर 450 के नीचे मान नहीं रहा था। और इसके अलावा अगर आपके पास और भी काफी ज्यादा टाइम होगा, जो कि मेरे पास उस समय नहीं था, क्योंकि सारे दोस्त पंजी बस डेपो पर मेरा वेट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने रिक्शे का ऑप्शन ले लिया। लेकिन आप अगर करमली स्टेशन से थोड़ा आगे चलकर बाहर जाओ तो सामने ही बस डेपो है, जो आपको आपकी डेस्टिनी पर इन सभी से काफी कम रेट में पहुंचा देगा, जो कि 30 से 25 रुपए का है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपको गोवा की घटिया बस ट्रैवलिंग जमेगी भी या नहीं। खैर लेकिन उसके बाद सीधे पंजी बस डेपो, जहां मेरे दोस्त 4 स्कूटी रेंट पर लेकर पहले ही रेडी बैठे थे, जिसके बाद मैंने उनसे पता लगाया कि यहाँ पर बाइक्स असल में दिन के हिसाब से कितने रुपए में दी जाती है। जिन शॉप वाले के बारे में मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊंगा कि बाइक देने का प्रोसीजर क्या होता है, लेकिन बाइक लेने के प्रोसीजर में आपका पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रखा जाता है, और हाँ आधार भी, अगर आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ मौजूद हो तो। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप बार्गिंग करो तो वो बाइक आपको दिन के 500 रुपए के हिसाब से नहीं बल्कि 300 रुपए
किराए के हिसाब से दी जाती है, जिसमें मेरे पास 4 बाइक्स थी जिसे हाँ स्कूटी कहते हैं। और फिर क्या, पेंजी का सफर शुरू किया गया, जिस सफर में आप गोवा की कपड़े की मार्केट, जहाँ से कपड़े खरीदने की सलाह मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि कपड़े बहुत ही ज्यादा चीप है, लेकिन अगर आपको गोवा के रंग ढंग में रंगना है तो वही कहते हैं ना कि आपके पैसे आपकी मर्जी। जिसके अलावा यहाँ पर कई सारी बोट्स और बहुत ही ज्यादा कसिनो बने हुए है, आई मीन बोट पर कसिनो। उसके अलावा पार्टी वाली बड़ी बड़ी बोट्स भी, जहाँ पर अगर आप दिन में एंटर करो तो 500 रुपए एंटर फीस है और बाकी के चार्जेस आपको वहाँ पर आपके खाने के हिसाब से पे करने हैं। लेकिन अगर आप रात को उस बोट में पार्टी के हिसाब से एंटर करना चाहते हो तो प्राइस सीधे 2100 रुपए हो जाता है, जिसमें आपको नाचना गाना और खाना पीना भी उनके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बाकी कसिनो में क्या होता है वो मुझे लगता है एक्सपर्ट्स को ही पता होगा ज्यादातर, तो क्योंकि मैं इन सब के लिए गोवा नहीं गया था, बल्कि मेरा तो कुछ और ही मकसद था, जिसे लेकर के यहाँ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गोवा घूमने गया था, इनको गोवा को देखने। जहाँ तक कि इस सफर में अगर ट्रेन की टिकट की बात करूँ तो 250 रुपए उसमें चले गए, प्लस हिसाब से काफी ज्यादा टाइम जो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। उसके बाद ऑटो वाले भैया ने सिर्फ 4 किलोमीटर के 300 रुपए की पूरी बनाई है, उसे भी बिल में इंक्लूड कर लेना। और हाँ, इस जगह की बात करूँ तो यहाँ पर हम सभी ने मिलकर खाना पीना किया था, जिसके लिए मैं आपको मस्ट वॉच पेंजी के इस होटल को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ का खाना लाजवाब था और वो भी 9 लोगों के हिसाब से 3500 का। और फिर से कहूंगा कि अच्छा खाना यही मिलता है, बाकी यहाँ कई सारे और भी होटल्स हैं और हो सकता है कि इससे थोड़ा और भी ज्यादा चीज, जिस चक्कर में मैं बस स्कैम के नाम पर फंस गया। लेकिन अभी के लिए तो मेरी नजर में गोवा में यही एक होटल का ऑप्शन है, खास करके पेंजी जैसी सिटी में। बाकी आप देख लेना, क्योंकि आगे के ब्लॉग में मैं आपको खाने के होटल के स्कैम के साथ साथ लोकल खाना कहाँ मिलता है उसके बारे में बस बता सकता हूँ, क्योंकि वैसी सिचुएशन में मेरी फटकर 4 हो गई थी। बाकी यहाँ पेंजी की इस नजारे की बात करूँ तो जगह दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है, और यहाँ तक का मेरा सफर भले से ही छोटे मोटे स्कैम के हिसाब से ठीक ठाक सा रहा है, क्योंकि पूरी रात ट्रेन में ना सोने की वजह से मेरा सर भी दर्द कर रहा था, जिसके बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा कि वो मुझे सीधे बंगलों पर छोड़ दे। जी हाँ, बंगलों पर, जो कि एक दोस्त की मदद से हमें रहने के लिए मिल गया था, यानी होटल के खर्चे से मैं पूरी तरीके से बच गया। जिसके रेंट के बारे में आपको बताने के लिए अगर मैं ऊपरी तौर पर डिटेल दूं तो गोवा में अगर आप कोई भी रूम या फिर होटल बुक करते हो तो अच्छे से अच्छा होटल आपको एक रात यानी कि एक पूरे दिन का 3000 चार्ज करता है, और उसके बाद लोकल 2000, बाकी आपकी बातचीत की स्किल 1500 से लेकर 1000 रुपए तक की एक दिन की डील को डन करवा देती है। और हाँ, बात रही बाइक की जगह कार को हायर करने की, तो उनका प्राइस 1200 से लेकर 1000 रुपए तक का है, जिसमें आप लोग 5 से ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो अब सीधे बंगले पर चले, तो वहाँ पर गाड़ी की डिक्की बंद ना होते हुए हमने उसे वैसे ही छोड़ा और सीधे एंटर कर गए बंगले के अंदर। और फिर क्या, मैंने एक रूम पकड़ा, एसी चालू की, वो भी उस रूम को दिखाते हुए, जिसके बाद मैंने कर दिया इस व्लॉग को यहीं पर एंड, वो भी अपनी आंखों को बंद कर कर, जो कि बंद नहीं हुई है लेकिन सच में बंद हो गई थी। जिसके बाद गोवा में अगले दिन क्या हुआ उन डिटेल्स के लिए आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि व्लॉग यहीं तक एडिट हुआ था, जिसे मैंने बना करके आपको गोवा की शुरुआत की कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। बाकी मिलते हैं सीधे गोवा के अगले ब्लॉग में। टिल देन,